नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में, जो बिहार जुडिशरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के निम्न में किस प्रावधान में आणविक प्रांग न्याय की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए धारा 11 का स्पष्टीकरण 1, ऑप्शन बी धारा 11 का स्पष्टीकरण 3, ऑप्शन सी धारा 11 का स्पष्टीकरण 4, ऑप्शन डी धारा 11 का स्पष्टीकरण 7। इसका राइट आंसर है आणविक प्रज्ञान को धारा 11 का स्पष्टीकरण 4 में व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 52, सृजनात्मक पूर्व न्याय का नियम वर्णित है? ऑप्शन ए व्याख्या 3 धारा 11 में, ऑप्शन बी व्याख्या 4 धारा 11 में, ऑप्शन सी व्याख्या 6 धारा 11 में, ऑप्शन डी व्याख्या धारा 7 धारा 11 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी व्याख्या 4 धारा 11 में। क्वेश्चन नंबर 3, आणविक पूर्व न्याय का नियम है? ऑप्शन ए न्यायिक निर्वचन की देन है, ऑप्शन बी साम्या का नियम है, ऑप्शन सी सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के नियमों का एक भाग है। इसका राइट आंसर है आणविक पूर्व न्याय का नियम सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है। क्वेश्चन नंबर 54, पूर्व न्याय का नियम लागू होता है? ऑप्शन ए सहवादियों के बीच में, ऑप्शन बी सह प्रतिवादियों के बीच में, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी न तो ए में न ही बी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्व न्याय का नियम सहवादियों के बीच में, सह प्रतिवादियों के बीच दोनों में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 55, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विधिक प्रतिनिधि धारा 50, ऑप्शन बी अनुरोध पर धारा 77, ऑप्शन सी सूचना धारा 80, ऑप्शन डी विचाराधीन वाद धारा 11। तो ऑप्शन डी विचाराधीन वाद धारा 11 यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विचाराधीन धारा 10 में दी गई है और धारा 11 में पूर्व न्याय का सिद्धांत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का वाद है? ऑप्शन ए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन के लिए वाद, ऑप्शन बी किराए के लिए वाद, ऑप्शन सी वेतन की बकाए राशि के लिए वाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है सिविल प्रकृति का वाद ये सभी है, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए, किराए के लिए, वेतन की बकाया राशि के लिए वाद। क्वेश्चन नंबर 57, सभी सिविल न्यायालयों को किन वादों के विचारण की अधिकारिता है? ऑप्शन ए सिविल प्रकृति के सभी वाद, ऑप्शन बी सभी सिविल प्रकृति के वाद सिवाय जिनमें संज्ञान लेने पर अभिव्यक्त रोक नहीं है, ऑप्शन सी सभी सिविल प्रकृति के वाद सिवाय जिनमें संज्ञान लेने पर विवक्षित रोक नहीं है, ऑप्शन डी उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है सभी सिविल प्रकृति के वाद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी सिविल न्यायालयों को किन वादों के विचारण की अधिकारिता है? उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 58, एक विदेशी निर्णय है? ऑप्शन ए कभी अंतिम नहीं हो सकता, ऑप्शन बी अंतिम हो सकता है अगर एक पक्षकार हो और उस विषय पर उसमें उनमें परोक्ष रूप से निर्णय हो चुका हो, ऑप्शन सी अंतिम हो सकता है अगर पक्षकार एक हो उस विषय पर उसमें सीधे तौर पर निर्णय हो चुका हो और जिसमें सक्षम न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया हो, ऑप्शन डी अंतिम हो सकता है अगर पक्षकार एक हो उस विषय पर उनमें सीधे तौर पर निर्णय हो चुका हो और जिस पर सक्षम न्यायालय ने निर्णय दिया हो। इसका राइट आंसर है विदेशी निर्णय अंतिम हो सकता है अगर पक्षकार एक हो उस विषय पर सीधे तौर पर निर्णय हो चुका और जिस पर सक्षम न्यायालय ने निर्णय दिया हो। क्वेश्चन नंबर 59,
क्या विदेशी न्यायालय में वाद का लंबित होना उसी वाद हेतुक पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत के न्यायालयों को प्रभावित करेगा? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी वाद की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी वाद के मूल्यांकन निष्कर्ष से निकालना होगा। का राइट आंसर है नहीं। तो विदेशी न्यायालय में किसी बात का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी बात का विचारण करने से भारत के न्यायालयों को प्रभावित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 60, विदेशी निर्णय को लागू करने के लिए वाद भारत में कितने वर्षों के भीतर दायर हो सकता है? ऑप्शन ए निर्णय तिथि से एक वर्ष के भीतर, ऑप्शन बी निर्णय तिथि से 5 वर्ष भीतर, ऑप्शन सी निर्णय तिथि से 2 वर्ष भीतर, ऑप्शन डी निर्णय तिथि से 3 वर्ष भीतर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्णय तिथि से 3 वर्ष के भीतर लागू करने के लिए वाद भारत में दायर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, धारा 13 सिविल प्रक्रिया के अनुसार विदेशी निर्णय को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन ए उसे पारित करने वाली न्यायालय की अधिकारिता, ऑप्शन बी कपट द्वारा अभिप्राप्त, ऑप्शन सी भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि के भंग पर आधारित, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62, जहां न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा अनिश्चित है, सूट की स्थापना का स्थान तय किया जाएगा, मतलब वाद दायर करने की स्थान तय किया जाएगा। धारा 17 सीपीसी के तहत, धारा 18, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 18। क्वेश्चन नंबर 63, जहां न्यायालय की अधिकारिता की सीमा स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहां वाद संस्थित करने का स्थान निर्धारित होगा। दीवानी प्रक्रिया संहिता की ऑप्शन ए धारा 17 के अनुसार, ऑप्शन बी धारा 19 के अनुसार, ऑप्शन सी धारा 20 के अनुसार, ऑप्शन डी धारा 19 के अनुसार। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, धारा 18 के अनुसार वाद संस्थित करने का स्थान निर्धारित होगा। क्वेश्चन नंबर 64, सीपीसी की धारा 20 लागू नहीं होती है। ऑप्शन ए मध्यस्थता की कार्यवाही पर, ऑप्शन बी दीवानी कार्यवाही पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर, ऑप्शन डी ए और बी में से किसी पर नहीं। इसका राइट आंसर है धारा 20 मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 65, वाद संस्थित करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा के अंतर्गत स्वीकृति होगी? ऑप्शन ए धारा 21 को, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 21, ऑप्शन डी धारा 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 21 के अंतर्गत स्वीकृति होगी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित संयोजनों में कौन सही सुमेलित है? पहला निर्णित ऋण की साम्या धारा 49 सिविल प्रक्रिया संहिता, दूसरा विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज धारा 29, तीसरा विधिक प्रतिनिधि धारा 50, चौथा अंकिंचन वा धारा 33, आदेश 33। कूट में सुमेलित करना है ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, मतलब ये सही सुमेलित है। निर्णित रीढ़ी की साम्य धारा 49 में दी गई है, विधिक प्रतिनिधि धारा 50 में, अकिंचनवाद धारा 33 में, विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज ये गलत दी गई है, धारा 29 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नांकित में से कौन अस्थावर संपत्ति संबंधी वाद नहीं है? ऑप्शन ए अस्थावर संपत्ति के प्रत्युदरण के लिए वाद, ऑप्शन बी अस्थावर संपत्ति के विभाजन का वाद, ऑप्शन सी बंधकग्रस्त संपत्ति के भोजन का वाद, ऑप्शन डी अस्थावर संपत्ति से भाटक का वाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अस्थावर संपत्ति से संबंधित भाटक का अस्थावर संपत्ति वाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68,
सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नांकित में से किस धारा में वादों को संस्थित करने का उपबंध है, इंस्टीट्यूट करने का उपबंध है? ऑप्शन ए धारा 26, ऑप्शन बी धारा 30, ऑप्शन सी धारा 28, ऑप्शन डी धारा 25। इसका राइट आंसर है धारा 26 के अंतर्गत वादों को संस्थित करने का उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 59, न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 CPCA के अधीन सम्मन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए? ऑप्शन ए उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा, ऑप्शन बी उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा और उसका विक्रय कर सकेगा या उस पर जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, ऑप्शन सी आदेश कर सकेगा कि वह अपनी उपस्थिति के लिए प्रतिभू दे और व्यतिक्रम करने पर उसको सिविल कारागार के सुपुर्द कर सकेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कर सकेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी ऑप्शन ए बी सी ये सभी कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 70, एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध सम्मन जारी हो गया है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अधीन उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, पहला वारंट जारी करके, बी संपत्ति कुर्क करके और विक्रय करके, तीसरा जुर्माना करके, चौथा उपस्थित करने के लिए प्रतिभू लेकर। निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए, ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 2, 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, मतलब ये सभी तरीके से बाध्य किया जा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसे CPCA की धारा 30B के अधीन गवाही देने अथवा दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया हो न्यायालय से अनुपस्थित रहने पर धारा 32C के तहत जुर्माना किया जा सकता है जो निम्नलिखित राशियों में से किससे अधिक नहीं होगा, ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी 10000। इसका राइट आंसर है कि 5000 से अधिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 72, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत वाद दायर करने के स्थान के बारे में कोई भी आपत्ति किसी भी अपीली या पूरी पुनर्निरीक्षण वाले न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक ऐसी आपत्ति, ऑप्शन ए प्रथम बार के न्यायालय में न लाई गई हो, ऑप्शन बी यथासंभव प्रथम अवसर पर न की गई हो, ऑप्शन सी परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता हुई हो, ऑप्शन डी जब ए बी सी तीनों शर्तें पूरी हो गई हों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जब ए बी सी ये तीनों शर्तें पूरी हो गई हों तब अनुज्ञात की जा सकेगी। क्वेश्चन नंबर 73, न्यायाधीश के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पश्चातवर्ती वाद के स्थगन के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन ए यह कि वाद का विवादित विषय वस्तु प्रत्यक्ष और सार्थक प्रथम वाद में विवाद के समान है, ऑप्शन बी यह कि दूसरे वाद में पक्षकार समान है, ऑप्शन सी यह कि जिस न्यायालय में पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत हुआ है वह ऐसे वाद में अनुस्तोष देने में सक्षम है, ऑप्शन डी यह कि पूर्व वाद विदेशी न्यायालय में लंबित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह कि पूर्व वाद विदेशी न्यायालय में लंबित है। क्वेश्चन नंबर 74, 20 लाख रुपये मूल्य के वाद को आरंभिक अधिकारिता वाले किस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, क्वेश्चन यह है कि 20 लाख रुपए मूल्य के वाद को आरंभिक अधिकारिता वाले किस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी जिला न्यायाधीश के न्यायालय, ऑप्शन सी सिविल जल कनिष्ठ संवर्ग के न्यायालय, ऑप्शन डी सिविल जल वरिष्ठ संवर्ग के न्यायालय में। इसका राइट आंसर है 20 लाख रुपए के मूल्य को आरंभिक अधिकारिता वाले जिला न्यायाधीश के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं सही कूट बताइए, सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। सूची 1 में धारा 10 में
न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ, धारा 11 डिक्री का अंतरण, ऑप्शन इसका सी 39 में पूर्व न्याय और डी 151 की विचाराधीन न्याय। तो ए का होगा विचाराधीन न्याय, बी का होगा तीसरा, बी का होगा पूर्व न्याय, धारा 10 का 4, सी का होगा धारा 39 का डिक्री का अंतरण, डी का होगा न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।